लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सिडको ने नवंबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर प्रस्तावित किया। हालांकि यहां के प्रकल्पग्रस्त जो है वो दीपा पाटिल साहब का नाम चाहते हैं। अब इस पर राजनीति होने लगी है। बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो 10 तारीख को मानव श्रृंखला आंदोलन की तैयारी में है ताकि दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जा सके। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के सीनियर लीडर बबन दादा पाटिल साहब, जो आज खुले तौर पर उन्होंने दावा किया कि एयरपोर्ट के नाम पर, उसके नामकरण के नाम पर जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति की है इसलिए उनको सामने आना पड़ा और बाला साहब ठाकरे का ही नाम प्रस्तावित करना पड़ा है। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वजह है कि आज आपको, कल तक आप दीपा पाटिल साहब के नाम का खुद आप समर्थन कर रहे थे लेकिन आज अचानक आपको बाला साहब ठाकरे के नाम पर आ गया? आज अचानक नहीं है मेरे भाई, जब ही पहला मीटिंग जासई में हुआ अभी ग्रामस्थ ने हमको बुलाया उधर, क्या आप लोग मीटिंग में आओ, हम लोग मीटिंग में गया। तभी तक हमको मालूम नहीं था क्या ये लोग जो सिडको ने ठहराव किया है बाला साहब का नाम एयरपोर्ट को देने को, इसको ये अपोज करने वाले थे। जब भी उस मीटिंग में रामचेत ठाकुर ने मेरे को बोला आप ये समिति का अध्यक्ष बना, मैं चला बाला साहब का नाम का ठहराव हो गया है, मैं अध्यक्ष नहीं बन सकता है, मैं बाला साहब का पुत्र हूँ, मेरा बाप जैसा बाला साहब ने मेरे को संभाला है, मातोश्री संभाला है, तो मैं ये अध्यक्ष पद नहीं लेऊँगा। फिर भी बाला साहब का नाम आए, दीपा पाटिल का सम्मान करना है तो अपन ऊपर एकनाथ शिंदे सबको मिलेगा, सेम सबको मिलेगा, क्योंकि उनका भी रायगढ़ में प्रकल्पग्रस्त के लिए उनका भी बड़ा काम है। बाला साहब का नाम देगा, बहुत प्रकल्प सिडको बना रहे, शिवडी नावा 2000 करके किधर ना किधर हम दीपा पाटिल का भी सम्मान करें, दीपा पाटिल का हम विरोध नहीं कर रहे। और बाला साहब का नाम तय हुआ तो दीपा पाटिल के नाम लिए महाअकाली कटिबंध है, आज मैं बोला आपको सामने काम उसका भी स्वीकार करेगा। वो आम पे ये राजकारण कर रहे, ये राजकारण गलत है। आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस दीपा पाटिल के नाम के पीछे बड़ी राजनीति कर रही है और जो अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम को किसी तरह से इस झगड़े में आगे प्रस्तावित करना चाहते? अभी तो भाई मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी, प्रवीण दरेकर एक महीना पहले इधर आया था, ये लोग ने निवेदन दिया, उसने उसके ऊपर कुछ बात नहीं की। कल प्रवीण दरेकर पनवेल में आया था, उधर भी उसने कुछ सतावज किया नहीं। बीजेपी इसके साथ है क्या नहीं, अभी हम सवाल पूछा है, बीजेपी का वरिष्ठ नेता ने इसका खुलासा करना मांगता है, क्या आपका बाला साहब को हमारा अपोज है, हमारा विरोध है, अभी तक वो बात आया नहीं। इधर का राजकारण है, इधर का लोकल जिनको कांटेक्ट चाहिए, इनको अभी कुछ मुद्दा नहीं रह गया। महापालिका चुनाव आया नहीं मुंबई में तो दीपा पाटिल का मुद्दा बना के ये राजकारण कर रहे, इतना ये है भाजपा, अभी मालूम पड़ेगा ये आधा विधानसभा में ठहराव जाएगा, भाजपा क्या करता है सबको पता लगेगा। जो 10 तारीख को मानव श्रृंखला आंदोलन की तैयारी है उसको लेकर आप सब सर्वपक्षीय जो कृति समिति है उसकी बैठक हुई थी, आप लोग भी उस बैठक में शामिल थे, क्या प्रकल्पग्रस्त इस बात को लेकर तैयार हैं कि इसका विरोध किया जाए बाला साहब ठाकरे के नाम का, किस तरह का रिस्पांस आप प्रकल्पग्रस्त और खासकर युवाओं का देखने के लिए आपको मिला? भाई साहब वो मीटिंग में मैं नहीं था, हम लोग बोल रहा था उनको तुम ये पत्रकार परिषद मत ले, पहला एकनाथ जी साहब को सीएम साहब को मिलेगा और वो तय किया, तभी हम नहीं था उधर। जो आपने खुद आज सभी दलों के, आपके महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता थे, यहाँ के सीनियर सारे लीडर थे, तो क्या जो आपका प्रस्ताव है बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो सरकार है सिडको ने दिया है उसके साथ पूरी महाविकास आघाड़ी साथ में आपको तैयार है, समर्थन दे रही है? एक साथ में आप देखा ना, महाविकास आघाड़ी का एक ही आदमी आया नहीं होगा, सबने बोला, आप लोग पूछा, ये महाविकास आघाड़ी बाला साहब के साथ में। अगर ये आंदोलन होता है तो जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी राजनीति साधना चाहती है इसमें, तो महाविकास आघाड़ी की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या आप प्रकल्पग्रस्त युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम यही समझा रहे, बाला साहब का नाम होगा, दीपा पाटिल का नाम का भी हम मुख्यमंत्री को, एकनाथ शिंदे को बोलेगा उनका भी आदर करो,
वही प्रकल्प लिए किया है। आम लोग ये लोग ने जब बाजू किया था तभी हम बाला साहब के पास दीबा पाटिल को लेके गया था, दीबा पाटिल साहब को, बाला साहब को दीबा पाटिल के घर लेके गया था, सम्मान हम किया, दीबा पाटिल संघर्ष समिति मैं चालू किया, दीबा पाटिल को सब भूले थे। अभी ये संघर्ष समिति हम चालू करने के बाद अभी अचानक जैसा प्यास लगती है ना तभी कुदा करना, ऐसा काम है भाजपा का चला है चुनाव आया तो। 2018 में जब नवीन भाई एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे उस वक्त बीजेपी नेता बिल्कुल साथ में थे, आपको नहीं लगता कि उसी वक्त ये प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री के पास रखना? इस बार में आमदार प्रशांत जी बोलता है अभी एयरपोर्ट चालू होने को 5 साल जाएगा, अभी एयरपोर्ट चालू होने को 5 साल जाएगा, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया तभी भी कोई भी, मैं बोला मेरे इसमें बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम तो रखता है ना, तभी प्रधान मोदी को इन लोग बोलना मांगता है ये भूमि दीबा पाटिल के, इधर अपन उद्घाटन कर रहे इसका नाम दीबा पाटिल को देना मांगता है, ऐसा क्यों बात नहीं किया अभी तक? आज एकनाथ शिंदे 6 महीने हो गया उससे पहला बोला कि हम बाला साहब का नाम देगा, वो सैनिक है उसका हम धन्यवाद देता है आभार मानता हूँ, एक सैनिक ने ये बड़ा काम किया, जो खाते का मिनिस्टर है वो खाता जो बाला साहब का वजह से उद्धव साहब का मिले थे उसने साहब का नाम आगे लाया, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ एकनाथ शिंदे जी को। और ये लोग का हाथ में सब था, चेयरमैन थे, आमदार थे, लोग ने वो पत्रक दिया था क्यों नहीं दिया, ये राजकारण है इसलिए हम बोलते हैं। आखिरी सवाल सर, क्या आपकी अभी आखिर में क्या भूमिका होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी अगर ये विवाद बढ़ता है तो किस तरह से शिवसेना और भाजपा विवाद बढ़ाने का कोशिश वो कर रहे हम नहीं कर रहे। आज भी मैं बोला एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठक लेके उसमें से रास्ता निकालेगा, उद्धव साहब बोलेगा नहीं नहीं लोग का मानना है दीबा, हमारा अभी हमारा नाम आया करके हम वो नाम के तय है, हम बाला साहब बगैर बात ही नहीं कर सकते, बराबर है। हाँ वो लोग फुकड़ बैनर लगा के वाद निर्माण करते हैं, साकली उपोषण करते हैं, अरे क्यों मिलो एकनाथ जी को, मिलो उद्धव साहब को, उसमें से रास्ता निकालो, ये रास्ता नहीं होता ना, ये लोग नहीं मानेगा तो केंद्र में सरकार आपका है, आप रुका सकते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भूमिका इसमें निगेटिव हो सकती है? मेरे को नहीं लगता है, पंतप्रधान मोदी जी बाला साहब को भी भगवान माना है, पंतप्रधान मोदी को बाला साहब ने भी बचाया है गोधरा में, है पूरा देश को मालूम है, और बीजेपी का वरिष्ठ नेता इसको विरोध करेगा तो बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं रहेगी। दादा बहुत बहुत थैंक यू, हमारे साथ शिवसेना के रायगढ़ के शिवसेना के जिला प्रमुख है, मैं उनसे भी बात जानना चाहता हूँ। श्री गृह साहब क्या कहना चाहेंगे, आपकी भूमिका किस तरह की है? हमारी भूमिका जो अभी अपने भवन दादा ने जो बताया है वही भूमिका है, हमारा आघाड़ी सरकार में जो आघाड़ी के जी लोग है उसने जो बताया वही हमारी ये भूमिका। आपको लगता है कि वाकई बीजेपी जो है खासकर जिस तरह से सभी नेताओं ने राम सिंह ठाकुर का नाम लिया वो अपनी राजनीति के लिए ये दीबा पाटिल का नाम आगे करके किस तरह से प्रकटों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं? सही है, सही है, क्या अभी बीजेपी के लोगों को जो है अभी दादा ने बताया नरेंद्र अपना देवेंद्र फडणवीस इधर आए थे तो उसने उनको लेटर दिया था कि इसका बाला साहब का नाम दीबा पाटिल साहब का नाम दे दो करके, उसने वो लेटर लिया नहीं तो इसका मतलब क्या होता, बीजेपी का लोगों ने नहीं किया और राम सिंह ठाकुर ने किया। आगे क्या रणनीति होगी अजय जी, जिला प्रमुख का आपकी क्या भूमिका होगी इस नामकरण को लेकर अगर आगे विवाद बढ़ता है तो शिवसेना की भूमिका? शिवसेना का भूमिका हमारा बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट सेनापति बाला साहब ठाकरे का ही नाम रहेगा, क्यों दीबा पाटिल साहब ये शिवसेना के खासदार के लिए वो लड़े थे और शिवसैनिक है हमारे बाला साहब, वो हिंदू हृदय सम्राट है और महाराष्ट्र देश का वर्ल्ड में बाला साहब का नाम है, वो नाम बाला साहब का वो दीबा पाटिल सबसे बड़े है और वो शिवसेना में दीबा पाटिल साहब शिवसेना में नेते तो आज ही उनका नाम शिवसेना में है, उसके आगे बाला साहब के आगे उनका नाम नहीं जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, जैसा कि आपने देखा कि शिवसेना के जितने भी सीनियर लीडर और खासकर महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं
तो आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे का नाम राज्य सरकार प्रस्तावित कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये केंद्र सरकार के अधीन होगा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम किसको किसका दिया जाता है, क्या इस नवी मुंबई एयरपोर्ट के बैनर पर दीपा पाटिल साहब का नाम होगा या बाला साहब ठाकरे का नाम। कैमरामैन रवि के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।